ग्राम पोखरा में आम रास्ते पर किया अतिक्रमण, 140 से ग्रामीणों का रास्ता हुआ बंद। 15 साल पहले सड़क का तहसीलदार बहरी ने कराया था निर्माण कार्य, ग्रामीणों ने की शिकायत। सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम पोखरा में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जहां एक ही घर के कई लोगों ने एक साथ मिलकर 140 लोगों के उस रास्ते को बंद कर दिया, जिस रास्ते को तहसीलदार बहरी के द्वारा बनवाया गया था। आपको बता दें कि 15 साल पहले तहसीलदार ने इस बस्ती के लिए सड़क का निर्माण करवाया था, जहां लोगों का आना जाना होता था, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल उसी रास्ते से होकर जाते थे। लेकिन गाँव के रहने वाले इंद्रपाल सिंह के द्वारा उस सड़क को खुदवा दिया गया है और लोगों के विस्तार और आवागमन को बंद कर दिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार बहरी को दी है व कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि अभी इससे पहले तक ऐसा नहीं होता था, हम लोग उसी रास्ते से कई वर्षों से आ जा रहे थे, लेकिन अब अपनी दबंगई दिखाने के लिए आम रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे परेशान होकर आज सोमवार के दिन बहरी तहसीलदार को ग्रामीणों ने अपनी समस्या सुनाई और आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या समस्या है आपका और नाम क्या है आपका, ये कौन सी ग्राम पंचायत है? अर्जुनदास साकेत जी, माने ग्राम पंचायत क्षेत्र पोखरा, ग्राम रुदोंदो टोला। और ये रास्ता का निकासी चाहिए थे आम जनता है, या आम रास्ता है, आम रास्ता के साथ साथ ही जब ये माननीय इंद्रपाल सिंह जी शिक्षक हैं, जब जमीन को खरीदे थे इसके पहले हमारी रोड 2005 में पंचायत के द्वारा डिटीकरण और पंचायत के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें आज वो माने 13 में रजिस्ट्री करा करके रास्ता को जाम किया जा रहा है। ये किसके द्वारा रास्ता रोका गया? ये श्री इंद्रपाल सिंह शिक्षक के द्वारा ये रास्ता जाम किया जा रहा है। कितनी आबादी होगी? आबादी 1000 के आसपास का इसी में बालक बालिकाओं का निस्तार है, विद्यालय जाते हैं, बच्चों को समस्या हो जाती है, मतलब माने पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रहा है और ये पढ़ाई लिखाई को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसकी जानकारी आप किसको दिए हैं? इसकी जानकारी पंचायत को दिए हैं, तहसीलदार को अर्जी लगा दिए हैं जाए, अभी तक हमारी जांच में नहीं हुई। पटवारी साहब एक दिन आए थे तो हमारे चर्चा किए हैं, चर्चा के बाद हमें कुछ ना आश्वासन मिला है, ना कोई निराकरण हुआ है सर। और ये जनता माने परेशान हो रही है, बांध भी बांध देते हैं, फिर रास्ता भी बांध दिए हैं, पानी भर जाता है, निकासी से नहीं हो पाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि हमारे इस हरजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग को माने इनकी रास्ता को दिलाने के लिए कृपा करें। और अनुरोध यही है, सब जनता मिलकर के अनुरोध करना चाहती हैं कि माने इस बात को कलेक्टर साहब के संज्ञान में जाए और कलेक्टर साहब इसको माने मौके पर आकर निरीक्षण करवा करके हम लोगों को रास्ता दिलाने के लिए कृपा करें।